दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब कुछ लोग तय कर लेते हैं कि हमारी औकात क्या है। सुअर की आवाज निकाल के दिखा। थैंक गॉड मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नेटफ्लिक्स की एनिमे सीरीज लुकीजम की सीजन 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और बेसब्री से इसकी सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग इस सीरीज को अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं, तो बता दूं कि इसकी सीजन 1 की जो टोटल 8 एपिसोड है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब लैंग्वेज में मिल जाएगी। और जिसकी कहानी में बताती है हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपने मोटापा और बदसूरती से परेशान होता है समाज में, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से जब बदल जाती है जब वो अपने आप को एक फिट और हैंडसम बॉडी में पाता है। तो इस लड़के की कहानी आपको इस सीरीज में डिटेल से जानने को मिलेगी। तो अगर आप देखना चाहते हो ट्राई कर लीजिएगा। और जो लोग देख चुके हैं तो बेसब्री से इसकी सीजन 2 के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी सीजन 1 की जो एंडिंग है वो इस तरह की गई है कि इसकी सीजन 2 की जो कहानी उसे आगे बढ़ाया भी जा सके। और इसके अलावा इस सीरीज की सीजन 1 में हमें कुछ सरप्राइजिंग कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया गया है, जैसे कि वो लेडी जो मेडिकल में आती है उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। और इसी के साथ जो बॉडी स्विचिंग की मिस्ट्री है वो क्या है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। और इसके अलावा काफी कुछ है जो हमें सीजन 2 में दिखाया जा सकता है। और इसके अलावा जो ये सीरीज बेस्ड है जिस वेबटून पर, उसकी टोटल 19 वॉल्यूम है जिसमें करीब 400 ज्यादा एपिसोड्स है, जिसका मतलब है कि इस सीरीज की मल्टीपल सीजन्स आ सकती है अगर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स के द्वारा रिन्यू किया जाता है तो। और ऐसा तभी होगा जब इस सीरीज को ऑडियंस के तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है तो। और वैसे बता दूं कि इस सीरीज को अभी फिलहाल के लिए तो ऑडियंस के तरफ से ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है और भी आईएमडी पर जो रेटिंग मिली है वो है 7.7 out of 10। और इसके अलावा फिलहाल तो अभी इसके क्रिएटर या फिर नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई अपडेट तो निकल के नहीं आ पा रही है इसकी सीजन 2 के रिलेटेड। हाँ, लेकिन डेट से 2 महीने के अंदर कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी कि हमें इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिलेगी या नहीं। एंड सपोज डेट अगर नेटफ्लिक्स के द्वारा इसकी सीजन 2 को रिन्यू कर दिया जाता है तो सवाल ये निकल के आती है कि कब तक हमें इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिलेगी। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी सीजन 2 है वो आपको नेक्स्ट ईयर के एंड यानी दिसंबर तक देखने को मिल सकता है अगर इस सीरीज को सीजन 2 के लिए जनवरी तक रिन्यू कर दिया जाता है तो। तो जो भी हो फिलहाल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी इसके सीजन 2 के रिलेटेड तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।